हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग नियम 2005 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार कुल्लू जिला में कार्य कर रहे रिवर राफ्टर ऑपरेटरों के सभी उपकरणों और दस्तावेजों का रूटीन निरीक्षण किया जा रहा है। ये निरीक्षण माउंटेनरी संस्थान के डायरेक्टर अविनाश नेगी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पर्यटन विभाग के अधिकारी योगराज ने बताया कि पिरडी में 12 राफ्टिंग ऑपरेटर आए हैं, जिनमें टेक्निकल कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। वहीं माउंटेनरी संस्थान के डायरेक्टर अविनाश नेगी ने बताया कि इस निरीक्षण में राफ्टर की क्वालिटी और इक्विपमेंट का निरीक्षण किया जाता है और साल में 2 बार ये कमेटी आयोजित होती है। आज जो पासिंग हो रही है वो रायसन एरिया की राफ्ट है और हमने इनको पीरीडी सेंटर में बुलाया हुआ है और करीबन 15 ऑपरेटर्स यहाँ पर आए हैं जो अपनी राफ्ट का इंस्पेक्शन और उसको पासिंग के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं। रूटीन इंस्पेक्शन है टेक्निकल कमेटी का, जिसमें 5 से 7 लोगों की कमेटी होती है और इसमें जो राफ्ट की क्वालिटी है और जो इक्विपमेंट है उसकी निरीक्षण किया जाता है उसका बेसिकली। और दूसरा, ये साल में ये कमेटी 2 बार बैठती है जनरली, इन जनरल 1 मार्च के महीने में और 1 अक्टूबर और नवंबर के महीने में, ताकि राफ्ट की रख रखाव और उससे एसोसिएटेड जितने भी इक्विपमेंट है उसको तकनीकी कमेटी देखे कि ये चलने लायक है या नहीं है एक्चुअली, ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। इसके लिए ये जो है टेक्निकल कमेटी इन चीज़ों इक्विपमेंट्स का इंस्पेक्शन रूटीन में करती है। अभी तक यहाँ पर 12 ऑपरेटरों की राफ्टें आई हुई हैं, उनमें से बाकी उनकी अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के बाद उनकी राफ्टें, दूसरे इक्विपमेंट जो भी राफ्टिंग से संबंधित है, हेलमेट है, ओर्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उनकी सही तरह से एक बार जाँच की जाएगी अच्छी तरह से टेक्निकल कमेटी द्वारा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी राफ्टें इसमें पास हुई हैं और कितनी जो है बाहर राफ्टिंग चलाने के लिए का नहीं है जी। ये एक तरह से सुरक्षा, पर्यटकों की सुरक्षा या जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी सुरक्षा एक सर्वोपरि है, उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत ही ये निर्णय लिया जाता है। बाकी जैसे समय समय पर, बाकी साल में 2 बार तो टेक्निकल कमेटी की इंस्पेक्शन होती ही होती है, इसके अलावा बीच में कभी भी थोड़ी अगर लगता है तो वो अलग से इंस्पेक्शन वगैरह या चेकिंग, रूटीन चेकिंग या फिर औचक निरीक्षण भी हो जाता है। हमारे पास तकरीबन यहाँ पर 90 के ऑपरेटर रजिस्टर्ड है इसमें, जिनके पास तकरीबन 450 के आसपास राफ्टें है। 5-6 दिनों तक इंस्पेक्शन चली हुई है, इसमें कितनी राफ्टें चलने लायक हैं या उनकी इंस्पेक्शन दोबारा से होके उसके बाद फिर से एक्चुअल डाटा उसके बाद लग जाएगा पता कि कितनी राफ्टें चलने लायक है और कितनी नहीं। तक जिला कुल्लू में 3 रिवर राफ्टिंग साइटें हैं, रायसन से बंदरोल, बवेली से शीतला वैष्णो माता मंदिर और पिरडी से लेकर झीड़ी तक जो है स्ट्रेच पास है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।